हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ मैं आप सभी के लिए। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है जल्द ही कुछ ही दिनों के बाद, उसको लेकर मैंने ये वीडियो बनाई है। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो SC और ST कैंडिडेट्स जो हैं, जिन्हों को यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार हैं, उनों के लिए जो टिकट यानी ट्रैवलिंग पास जो सरकार ने दिया है रेलवे बो की तरफ से, तो उसको आप किस तरीके से अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं जिससे आपको बैठने की सीट पक्की हो जाए। और अगर जब आप अपना जो ट्रैवलिंग पास से टिकट कराने जाएंगे रेलवे स्टेशन, तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, ताकि हमें आपको सहयोग मिले। और ऐसा करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि जब तक आप हमें अपना सहयोग नहीं देंगे, तो हम और अच्छे से कार्य कैसे करेंगे। तो जल्दी से हमें अपना सहयोग दीजिए। तो आइए हम वीडियो पर आ जाते हैं फिर से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कि जो आपका ये जो ट्रैवलिंग पास है, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, जो आपका ट्रैवलिंग पास है, इसको आपको एक इसका प्रिंट आउट आप लेके जाएंगे वहाँ पे। और प्रिंट आउट इसके साथ साथ जो आपका जाति प्रमाण पत्र दोस्तों, उसका आपको प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा, यानी जीरोक्स कॉपी लेके जानी होगी आपको। उसमें आपको क्या क्या लेके जाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक आधार कार्ड, एक जाति प्रमाण पत्र और एक आपका ये ट्रैवलिंग पास, ये तीन की आपको जीरोक्स कॉपी आपको लेके जानी है। साथ ही ये तीनों यानी तीन में एक तो देखिए आपका आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, ये आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, ठीक है। और देखिए, ऐसा मुझे पता चला है कि कुछ स्टेशन पे ऐसा नहीं देख रहे हैं इतना कुछ, लेकिन कुछ पे बहुत ज़्यादा ऐसे चेक चेक कर रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या है। तो आप देखिए, ऐसा होता है एक एक सेकेंड भी सीट फुल हो जाती हैं, वेटिंग लिस्ट बढ़ती चली जाती है, सीट नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप लेके जाएं, और फॉर्म आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपके पास घर पे है तो घर से ही भर के जाएं, ट्रेन देख लीजिए आप। और इन सारे जो कागज़ हैं उन पे आपको दस्तखत करने होंगे, यानी कि जैसे आपके जीरोस कॉपी जो भी हैं उनमें आप अपना सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, यानी कि आप अपने सिग्नेचर करेंगे उसमें, और फॉर्म आप रेलवे का भर ही देंगे। उसके बाद देखिए, फॉर्म में एक एक जो आपको वो लिखना होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर तो अभी आया नहीं है, वो भी आपको फॉर्म में लिखना होगा अपने नाम के आगे, जो एक लाइन का स्पेस खाली होता है उसमें, कि आपका जो रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है या एप्लीकेशन नंबर है जो भी है वो क्या है, वो भी आपको लिखना होगा। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। ऐसा करने से आपका कुछ फ़ायदा ये होगा कि आप 1 मिनट भी अगर अपना टाइम बचाते हैं ऐसा करने से, तो देखिए आपको सीट मिलने की चांसेस कितने ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है दोस्तों। ऐसा होता है जैसे अभी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, तो वो आपको भेज देगी, अरे ये जैसे कि ज़्यादातर स्टेशनों पे फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि जो कार्यकर्ता होते हैं फीमेल होते हैं, तो ज़्यादातर वो किसी की नहीं सुनते हैं, तो उनसे आप बहसबाजी भी नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सच है बिल्कुल। कोई लेडीज होती है गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी कर्मचारी कोई महिला होती है, तो उससे आप बहसबाजी भी नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। तो आप जब आपसे वो उनकी तरफ से बोला जाएगा कि अरे ये चीज़ लेकर आओ, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, पहले ही लेके जाएं, वहीं फॉर्म भरें, आपको 1-1 मिनट देरी ना होगी। अगर आपकी एक भी कुछ भी कमी है, तो वो तुरंत दूसरे कस्टमर को पकड़ लेगी, यानी जो भी टिकट कराने के लिए आया आपको करने के लिए दे देगी। तो आप देखिए, यहाँ पे भी 4-5 मिनट अपना देरी हो जाएंगे, इतने में आपकी सीट फुल हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, यही चीज़ मेरे को आपको बतानी थी कि क्या क्या आपको लेके जाना है टिकट बुक कराने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आने वाले समय में इस भर्ती को लेकर बहुत सारे नोटिस आने वाले हैं, तो वो भी हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो आपने यह वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। और आपके होने वाली इस परीक्षा के लिए आप सभी को शुभकामनाएँ।